हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल होप एजुकेशंस में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे MHT CET 2020 के बारे में, जो कि कंडक्ट किया जाता है BE, BTech, B फार्मेसी और D फार्मेसी। इसके अलावा अपना जो है एग्रीकल्चर कोर्सेज, जैसे कि BSc कम्युनिटी साइंस, BTech बायोटेक्नोलॉजी, उसी तरीके से BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, BTech फूड टेक्नोलॉजी और BFSc फिशरीज साइंस। उसके अलावा BSc एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर और BSc फॉरेस्ट्री के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके कंप्लीट शेड्यूल के बारे में कि इसके ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कब होंगे और इसका फॉर्म वगैरह कैसे भरना है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे मेन बात है कि ये एग्ज़ाम इस बार भी ऑनलाइन ही कंडक्ट किया जाएगा, यानी CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें आप इसका एग्जामिनेशन शेड्यूल देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, कंफर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन ये 7 जनवरी से शुरू हो चुका है और 29 फरवरी इससे अप्लाई करने की लास्ट डेट है। अगर आप इस दौरान अप्लाई नहीं कर पाते हो तो उसके लिए डेट एक बार एक्सटेंड होगी 1 मार्च से लेके 7 मार्च तक, लेकिन ₹500 लेट फीस के साथ में, ये ध्यान रखने वाली बात है। उसी तरीके से आपको इसका पेमेंट जो है वो ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड, यानी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI द्वारा करना होगा, जो कि 7 मार्च के पहले पहले कर देना होगा। आपको जो है एडमिट कार्ड इशू होगा आपके लॉगिन द्वारा, वो 5 अप्रैल से लेके 23 अप्रैल के बीच में। और यहाँ पर एग्जामिनेशन जो है वो 2 फेज में होने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं, पहला 13 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल और दूसरा फेज़ 20 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक होगा, और सेंटर जो है वो एडमिट कार्ड पर दिख जाएगा आपको। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका शेड्यूल देख लीजिए आप, 2 ग्रुप बनाया गया है, एक PCM और दूसरा PCB। तो फॉर्म भरते वक्त इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसमें टाइमिंग दिया गया है 2 शिफ्ट में होगा, एक पहली शिफ्ट है, दूसरी शिफ्ट है। पहली शिफ्ट जो है वो उसमें एंट्री एग्जामिनेशन हॉल में आपकी 7:30 बजे हो जानी है सुबह, और लास्ट जो उसका परमिशन मिलेगा एंट्री का वो 8:45 पे मिलेगा, क्योंकि 8:50 पे आपको फर्स्ट लॉगिन दे दी जाएगी इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए, और 9 बजे से आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा जो कि 12 बजे तक रहेगा। दूसरी शिफ्ट का टाइमिंग में आपको एंट्री कर लेनी है 12:30 को, और 1:45 के पहले पहले आपको किसी भी हालत में इंटर हो जाना है। उसके बाद, क्योंकि आपको 1:50 पर फर्स्ट लॉगिन मिल जाएगी इंस्ट्रक्शन की, और उसके बाद आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा 2 बजे, और 2 बजे से लेकर 5 बजे तक होगा। सेम उसी तरीके से आप दूसरा ग्रुप भी देख सकते हैं, PCB का। तो PCB ग्रुप के अंदर भी वही टाइमिंग है, 7:30 बजे आपको एग्जामिनेशन हॉल में पहुँच जाना है, और लास्ट परमिट जो होगा वो 8:45 तक होगा, क्योंकि 8:50 को आपको फर्स्ट लॉगिन मिल जाएगा इंस्ट्रक्शन के लिए, 9 बजे एग्ज़ाम शुरू होगा, 12 बजे तक चलेगा। दूसरी शिफ्ट 12:30 बजे एंट्री करनी है, 1:45 बजे के पहले पहले पहुंच जाना है, क्योंकि 1:50 पे आपको फर्स्ट लॉगिन मिल जाएगा, और एग्ज़ाम इसका जो है वो 2 बजे से शुरू होकर 5 बजे तक होगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिस्प्ले ऑफ कैंडिडेट रिस्पॉन्स इन हिज हर लॉगिन शेड्यूल विल बी नोटिफाइड एंड डिक्लेयर्ड सेपरेटली। इसका अलग अलग सेपरेटली जो है नोटिफिकेशन आएगा। उसके बाद ऑब्जेक्शन एंड क्वेश्चन पेपर, सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शन ऑन क्वेश्चन पेपर, ये 27 अप्रैल से आप 30 अप्रैल के दरमियान कर सकते हैं। और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो है, रिजल्ट आपको कहीं ना कहीं 3 जून से पहले या 3 जून को मिल जाएगा। इसमें आप टाइमिंग तो पहले ही बात कर चुके हैं हम लोगों ने, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। PCM ग्रुप का जो है मॉर्निंग शिफ्ट 9 बजे से लेकर 12 बजे तक पेपर है, आफ्टरनून का 2 बजे से 5 बजे तक है। लेकिन आपको जैसे पहले बताया कि 9 बजे वाली शिफ्ट में आपको 7:30 बजे पहुँच जाना है, और जो दोपहर वाली शिफ्ट है वहाँ पर आपको 12:30 बजे तक पहुँच जाना है। PCB के लिए भी सेम इस तरीके से है। यहाँ पर एक जो 3-4 पॉइंट्स दिए हुए, बहुत ध्यान से देख लीजिए आप। यहाँ बताया गया है कि जो कैंडिडेट फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स चाहिए। अगर कोई PCB लेता है तो वो इस लाइन में नहीं जा सकता, तो ज़रूरी है। अगर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो PCM, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ये चुनना बहुत ज़रूरी है। और जो कैंडिडेट डी फार्मेसी या बी फार्मेसी में जाना चाहते हैं तो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके अलावा मैथमेटिक्स या बायोलॉजी, या मैथमेटिक्स और बायोलॉजी दोनों ही ले सकते हैं, यानी PCM भी ले सकते हैं या PCB भी ले सकते हैं। उस तरीके से एग्रीकल्चर कोर्स के लिए थोड़ा सा अलग है। एग्रीकल्चर के लिए आप देख सकते हैं, जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं फर्स्ट ईयर BSc एग्रीकल्चर में, BSc हॉर्टिकल्चर में, BSc कम्युनिटी साइंस या BTech बायोटेक्नोलॉजी में,
तो उनके लिए ज़रूरी है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, या फिर PCB भी ले सकते हैं, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और उस तरीके से जो कैंडिडेट बीटेक एग्रीकल्चर, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी डिग्री कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन्हें PCM लेना ज़रूरी है। उनके लिए मैथ्स बहुत ज़रूरी है, तो PCM लेना होगा उन्हें। और उसी तरीके से जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं BSc फॉरेस्ट्री में या BFSc फिशरीज साइंस डिग्री कोर्स में, तो उन्हें PCB लेना ज़रूरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेना ज़रूरी है। तो ये जो दो तीन पॉइंट थे बहुत अहम थे, हमने पहले टेक्नोलॉजी कोर्सेज में देखा, फिर एग्रीकल्चर कोर्सेज में देखा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों को लग रहा है कि अभी इसका नोटिफिकेशन फरवरी या फरवरी के आखिर में आएगा, लेकिन ये बहुत जल्द इस बार दे दिया है। तो जितना पॉसिबल हो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।